नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 मई है और दिन है शनिवार। आज सरसों के बाजार में अच्छी खबर है और सरसों का बाजार आज कुछ तेज होता हुआ दिखाई दिया है। बाजार कितना तेज हुआ है और कैसे अगला सप्ताह दिखाई दे रहा है, इस सप्ताह में कुल मिलाकर के कितनी तेजी दर्ज हुई है, विदेशी तेलों की क्या स्थिति है, इस पर बात करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, यदि आप पहली बार हैं तो आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पहली बात तो ये है कि आज सरसों की जो आवक है वो 4.25 लाख बोरी तक हुई है, जो कल तक 5-5.5 लाख बोरी तक की आवक थी। इस सप्ताह के अंदर अगर इसी सप्ताह का जो सोमवार था, सोमवार के दिन जो सरसों के भाव थे वो जयपुर का भाव था 5375 रुपये और आज भाव है 5575 रुपये। 200 रुपये की तेजी एक सप्ताह के अंदर, मतलब इसी सप्ताह के अंदर दर्ज हो गई है। जो लोग कहते थे कि मंदा बहुत आ सकता है और सरसों की जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा है, 120 लाख, 25 लाख, 130 लाख, 135 लाख टन तक की अवेलेबिलिटी हो सकती है और वो सरसों खपेगा कैसे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उनको समझना चाहिए कि सरसों का जो इस बार जो खेल है वो और तरह का है। उत्पादन शायद उतना नहीं है जितना समझा जा रहा है, कागज़ों में बेशक दिखाया जा रहा हो, सरकारी आंकड़ों में बेशक कुछ कहा जा रहा हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि सरसों का उत्पादन कमज़ोर है। अब ये कितना है, कितना कम है, इसका आकलन अभी करना कठिन है, क्योंकि जब तक सरसों का सीज़न चलेगा तब तक सरसों की आवक कैसी बनी रहती है, दिवाली के आसपास आवक कैसी रहती है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा, फिर ही टोटल होकर के पता लगेगा कि इस बार उत्पादन कितना था। इसी तरह से जो भरतपुर मंडी का भाव है, जो पिछले सोमवार को भाव था, यानी बीते सोमवार को जो भाव था वो 5045 रुपये था, आज ठीक 200 रुपये बढ़ करके 5245 रुपये का भाव आज भरतपुर मंडी का खुला है। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर भी 100 रुपये की तेजी है, जयपुर में भी 100 रुपये की तेजी है, भरतपुर में भी लगभग 85-90 रुपये की तेजी है, टोंक निवाई मंडी में भी इतनी ही 100 रुपये के आसपास की तेजी है, अलवर, खैरथल, गंगापुर सिटी, इन सब मंडियों के अंदर 100 से 125 रुपये की तेजी दर्ज होती हुई दिखाई दी है। प्लांटों में कुछ प्लांटों के अंदर बाजार स्टेबल हैं, स्थिर हैं, जैसे गोयलकोटा का प्लांट 5400 रुपये पर स्थिर है, लेकिन आज सलोनी प्लांट ने 50 रुपये की वृद्धि की है और 6100 रुपये शमशाबाद, बिकनेर और आगरा का भाव हो गया है। आवक कम होती जा रही है। जो खाद्य तेलों की स्थितियां हैं, आज सरसों का तेल जो है वो 1051 रुपये, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि कल से 16-17 रुपये भाव जो है वो सुधरा है, बढ़ा है प्रति 10 किलो, 1.5 से 2 रुपये किलो की प्रति 2 किलो की तेजी आई है। सरसों तेल में कहा यह जा रहा है कि बड़ी जो मांग है वो नहीं है, क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। एकमात्र ब्याह शादियों का एक सावा था वो भी निपट गया है। आगे लगभग 72 दिन तक अब कोई जो है 70-80 दिन तक कोई शादियां नहीं है, इस कारण से भी कहते हैं कि सरसों के तेल में डिमांड कम है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हल्की फुल्की डिमांड है वो बनती रहेगी और बाज़ार आगे बढ़ता रहेगा। इस सरसों के तेल में भी ज़्यादा मंदे की कामना करना शायद उचित नहीं है। बात कर लेते हैं पाम तेल की और सोया तेल की। देखिए, जो ब्राज़ील का जो नुकसान हुआ है सोयाबीन का, वो बहुत बड़ा नुकसान है। अब एग्जैक्टली ये कहना कि कितने लाख क्विंटल का, कितने लाख टन का उत्पादन कमज़ोर हो सकता है, ये चीज़ें अभी आने में समय लगेगा, क्योंकि अभी वहाँ स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, पानी में फसलें डूबी हुई हैं, कोई आंकलन कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितने एरिया के अंदर कितनी फसलें डूबी हुई हैं, क्या उनमें कटाई हो सकेगी, क्या वो फसल बचाई जा सकेगी, इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा कि बाज़ार कैसा रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के उत्पादन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आज सोयाबीन के भाव और सोया तेल के भाव में हल्का सुधार हुआ है। सोयाबीन का भाव लगभग 20-30 रुपये या 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है, कुछ प्लांटों में 20 रुपये बढ़ा है, कुछ प्लांटों में 40 रुपये बढ़ा है। और जो सोयाबीन का जो तेल है उसके अंदर आज करीब करीब 1.5 रुपये से 2 रुपये किलो तक की तेजी दर्ज होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। हमारी जो घरेलू आवक है वो भी 1 लाख बोरी के आसपास सिमट कर रह गई है और हमें अभी जुलाई के अंदर इस सोयाबीन की जो बिजाई होगी उसकी बिजाई के लिए भी हमारे पास लगभग जो है सोयाबीन की आपूर्ति शायद पूरी ही रहती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए प्लांटों की डिमांड आगे बढ़ने की संभावना है, प्लांटों की डिमांड बढ़ेगी तो सोयाबीन के भाव भी बढ़ेंगे और सोया तेल के भाव भी बढ़ेंगे।
पाम, हालांकि जो कल मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई थी वो कोई बहुत बढ़िया नहीं थी, सकारात्मक नहीं थी बाजार के लिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बेशक वहाँ एक्सपोर्ट कम हुआ है, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन आगे जिस तरह से मौसम गर्म होगा उसमें आगे उत्पादन घटने की संभावना है। इंडोनेशिया अपने पाम उत्पादन को जो अधिक उसका जो हिस्सा है वो बायो ईंधन में, बायो ईंधन बनाने में उसका उपयोग करने की तरफ बढ़ रहा है, और इस कारण से भी पाम की आपूर्ति तंग होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय बंदरगाहों पर हम अभी भी हैंड टू माउथ हैं, और इसलिए पाम के अंदर भी तेजी बनने की संभावना है। मैंने बिनोला तेल के बारे में भी आपसे बात की थी कि इसमें मंदा नहीं है, आज फिर भाव कहीं 5 रुपये, कहीं 10 रुपये, तो कहीं 15 रुपये 10 किलो के भाव बढ़े हैं, यानी 1.5 रुपये किलो तक की आज तेजी आई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का भाव 905 906 रुपये हो गया है प्रति 10 किलो। गुजरात कड़ी का भाव भी 930 और 920 रुपये, कड़ी का भाव 930 रुपये और राजकोट का भाव 920 रुपये के आसपास दर्ज हुआ है, जो कल से काफ़ी अच्छा है, सुधरा हुआ है। इस तेल की कीमतें और बढ़ने की संभावना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो 920-30 का मामला है ये 950 रुपये तक तो बहुत जल्द पहुंच सकता है, यानी जून के महीने के अंदर 10 जून से पहले पहले इसमें तेजी बनने की संभावना है, और 10 और 15 जून के बीच में लगभग सभी खाद्य तेलों के अंदर एक ठीक ठाक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो जहां पर भी आप यहां से जो भी भाव आप मान रहे हैं इसको बॉटम मान करके यहां से कुछ माल लेकर के चलना चाहिए। रही बात मूंगफली तेल की, तो मूंगफली तेल फिर दो दिन पहले जो 25 रुपये के आसपास राजकोट का भाव बढ़ा था, 1500 रुपये के लेवल पर आ गया था, आज भी चेन्नई के अंदर और आपकी हैदराबाद के अंदर और राजकोट के अंदर जो भाव में, हालांकि आज राजकोट का भाव उपलब्ध नहीं होता है शनिवार को, लेकिन एक बंद भाव का जो मिजाज है वो तेजी की तरफ है, कुछ 10 रुपये के आसपास दूसरी मंडियों के अंदर भाव बढ़ा है प्रति 10 किलो। मुझे लगता है कि मूंगफली तेल में आगे चल करके एक अच्छी तेजी की संभावना दिखाई दे सकती है, देखी जा सकती है। रही बात सरसों की, तो सरसों के भाव मैंने आपको बता ही दिए, और आज जिस तरह से 100 से 125 रुपये तक का बाज़ार तेज हुआ है, एक सप्ताह के अंदर 200 रुपये की तेज़ी आई है, लगता है कि ये बाज़ार इसी तरह से धीरे धीरे करके और आगे बढ़ता रहेगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर मंडी का भाव, जैसे मैंने बताया कि करीब 85 रुपये प्लस तेज हुआ है, आज भाव है 5245। नडबई का भी यही भाव है 5245, जयपुर 5525 और दिल्ली का भाव है 5475, चरखी दादरी 5425, गोयलकोटा 5400 रुपये, हिसार 5200 रुपये, बरवाला 5000, शिवानी मंडी 5300, मुरैना 5100, ग्वालियर 5250, निवई 5325, टोंक मंडी 5305, अलवर 5300, गंगापुर सिटी 5270 से 5290, खैरथल 5330, खेरली मंडी 5310, सुमेरपुर मंडी 5320, हिंडौन 5345, कोटा 5000 और सलोनी प्लांट में, जैसे मैंने बताया, शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का भाव है 6100 रुपये, आज 50 रुपये बाजार प्लस हुआ है। अलवर का भाव है 6025 रुपये और कोटा का भाव है 6035 रुपये। यहाँ से सरसों के अंदर भी लगभग महीने डेढ़ महीने के अंदर 200-250 रुपये की तेजी और आने की संभावना है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।